नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक खास प्रोग्राम। जी हाँ, आज आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाता है। जी हाँ, खाने पीने पर ध्यान नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी शारीरिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आज इस खास प्रोग्राम में आप सभी के बीच आई हुई हैं एक महान हस्ती, जी हाँ, जो कि वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी ही नहीं है, गोल्ड मेडलिस्ट पर्सनैलिटी हमारे बीच मौजूद हैं, डॉक्टर शेख जी। तो सर, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे जानेंगे कि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, आप उनके बारे में हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत सारे सवाल पूछना चाहेंगे आपसे, तो आप उसके बारे में बताइए। नहीं, बिल्कुल। तो आज के इस निरोगी जीवन प्रोग्राम में ये खास शख्सियत हमारे बीच में है, डॉक्टर शेख जी। तो सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्रोग्राम को? देखिए मैम, जो आपने पूछा है कि निरोगी जीवन के बारे में आप क्या प्रोग्राम है और क्या इसके बारे में मैसेज देना चाहता हूँ, तो मेरा सिर्फ मैसेज एक ही मैसेज है कि निरोगी जीवन से आम आदमी, भारत ही नहीं पूरी देश, पूरी दुनिया की जनता निरोग रहे, उनकी निरोगी काया रहे, जिससे कि उनको पूरा जिंदगी का जीने का मकसद हासिल हो सके। क्योंकि आज जो मेरा मकसद है इस प्रोग्राम को आने का, आपके स्टूडियो में आने का मेरा जो मकसद है, मेन चीज़ इसलिए है कि आज छोटी छोटी चीज़ों पर आज तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, और लेकिन अस्पतालों में हमारे पेशेंट जाते हैं, रोगी जाते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं, तो होता क्या है कि डॉक्टर जाते ही पहले ही बात एक पेशेंट बुखार का जा रहा है, किसी भी बीमारी का पेशेंट उनके पास, उनके केबिन में, उनके पास ओपीडी में जा रहा है, तो जाते ही एक डॉक्टर एक बहुत लंबी जाँच की लिस्ट बना देता है। पेशेंट गया है खांसी के लिए, उनको मालूम चला कि 10 रुपए 200 रुपए की दवा लेनी है, उसको 5,000 के टेस्ट लिख दिए। ये नॉर्मल सी बात हो गई है। तो हमारा जो प्रोग्राम है, जो निरोगी जीवन प्रोग्राम है, हमने इसलिए बनाया कि इसलिए हम लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने प्रकृति के साथ में जिस तरीके से इंसान को पैदा किया, तो उसी तरीके से उसकी जरूरत के हिसाब से दवाइयां हर चीज मौजूद की है। तो मेरा मानना यह है कि आदमी को डायरेक्टली ऑपरेट के नहीं जाना चाहिए, और जो डॉक्टर ऑपरेट बोल देते हैं कि जैसे पथरी है और हर्निया, छोटी छोटी बीमारियां माइनर ऑपरेट होते हैं उनके, लेकिन ऑपरेट के नाम पर उनसे जो मोटी रकम ले ली जाती है, उनको परेशान, मेंटली आदमी परेशान हो जाता है। तो निरोगी जीवन में हम उन आदमियों को एक मैसेज देना चाहते हैं और उनको उपाय, घरेलू उपचार बताना चाहते हैं कि पहले उनको आजमाए, ना होने पर वो ऑपरेट करा लें, सिर्फ निरोगी जीवन का ये मकसद है। ओके वेल सर, एक मेल आए हैं, तो उन्हें जोड़ों का दर्द है, ये अलीगढ़ से हैं, शान प्रकाश जी, तो वो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं शान प्रकाश जी को ये बताना चाहता हूँ, ये वात की बीमारी होती है। आयुर्वेद के अनुसार तीन तरह की दोष होते हैं, उनके होने से बीमारियाँ होती हैं, वात, पित्त, कफ। तो वात जब बिगड़ जाता है शरीर के अंदर, तब इसे जोड़ों के दर्द, गठिया, साइटिका, ये चीज़ें दिक्कत होती है। तो मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि आप फास्ट फूड अवॉइड करें, ठंडी चीज़ें बंद करें, दही का इस्तेमाल बंद करें, बाजी वाली चीज़ें ना खाएं, और आप मेरे कहने से सिर्फ और सिर्फ जो है मेथी एक एक चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से खाना शुरू कर दीजिए, आपके जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आप जो है सहार दर्दनाशक पाउडर और सहार दर्दनाशक तेल मंगा लीजिए, आपको फायदा होगा। ओके अच्छा, नेक्स्ट जो दर्शक है हमारे वो हैं आरिफ खान, वो हैं दुबई से, तो वो जिगर के बढ़ने से परेशान हैं, तो आप उनके लिए उपाय बताइए कोई। तो आरिफ खान जी को भी मैं बताना चाहूँगा, मैम आपके जरिए से बताना चाहूँगा, जो जिगर की बीमारियाँ होती हैं पित्त के बिगड़ने से होती है, और सबसे ज़्यादा जो बीमारियाँ आज देश के अंदर जो है दुनिया के अंदर हो रही हैं वो पित्त के बिगड़ने के कारण, पित्त शरीर के अंदर पित्त बढ़ जाता है, उसकी वजह से ये दिक्कत होती है। फैटी लीवर के लिए मैं आरिफ जी को ये बताना चाहूँगा, खासतौर से गोश्त वगैरह कम खाएँ आप, और चिकनाई खासतौर से बंद करें, जितना आप चिकनाई यूज़ करेंगे आपका जिगर बढ़ेगा और जिगर की बीमारी से परेशान रहेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ डेली आप जो एलोवेरा जूस इस्तेमाल कीजिए, और रात को सोते समय आप आंवला पाउडर एक एक चम्मच सुबह शाम खाइए। अगर आपके यहाँ पर दुबई में भूमि आंवला मिल जाता तो उसका एक एक चम्मच सुबह शाम पाउडर खाइए, लगातार 4-6 महीने इस्तेमाल कीजिए, आपको फायदा होगा। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी हमारे कस्टमर्स हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे दर्शक हैं वो हैं हमारे चरण सिंह, बिजनौर से हैं सर, ये हर्निया से परेशान हैं, तो उनके लिए भी कुछ उपाय बताइए। ये हर्निया, पहली बात मैं आपको बता दूं, ये भी खास तौर से पेट खराब होने की वजह से नस बढ़ जाती है, और नस बढ़ने की वजह से ये चीज़ें आ जाती है, हर्निया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो है हर्निया की अगर ज़्यादा नहीं बढ़ा वैसे तो अपने यहाँ पर डॉक्टर्स को आप जाँच करा लीजिए, दिखवा लीजिए, और दिखाने के बाद में आप अगर उनको नहीं लगता है कि ऑपरेट ज़रूरी नहीं है तो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। हफ्ते के अंदर कास्ट्रॉल आया था, जिसको अंडी का तेल भी कहते हैं, अंडी का तेल वीक
के अंदर, एक वीक के अंदर एक चम्मच अंडी का तेल एक गिलास गुनगुने दूध में आप लीजिए, आपको फायदा होगा। अगर आप आना चाहें तो हमारे क्लिनिक आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, हमारी काफी ब्रांचेज भी हैं, वहां पर आकर हमसे मिल सकते हैं, बता सकते हैं। जैसा कि आपने जाना हमारे डॉक्टर साहब से कि अगर आपके नज़दीकी पड़ता है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने अपना एड्रेस बताया, तो आप उनके क्लिनिक पर भी जा सकते हैं। वेल, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट जो दर्शक हैं वो हैं आलिया, जयपुर से हैं सर ये, और ये सफ़ेद दाग से परेशान हैं। देखिए आलिया जी को मैं ये बता दूं, सफ़ेद दाग वाली परेशानी जो इसको ल्यूकोडर्मा कहा जाता है, ल्यूकोडर्मा पहली बात तो आलिया जी ये समझ लें कि अगर आप चाहती हैं कि इसका इलाज, तो ये इतनी जल्दी इलाज नहीं होता है, इसके इलाज में कम से कम 5-6 महीने या 1 साल तक भी लग सकता है। और बाजार में एक तेल आता है जिसको, जिस तेल को बावची ऑयल कहते हैं, बावची से बना हुआ तेल होता है। पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी सफ़ेद दाग की दवाएं बनती हैं बावची के जरिए से ही बनती हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, बावची ऑयल प्लस नीम का ऑयल, दोनों ऑयलों को मिलाकर उन दागों पर लगाइए, निशानों पर लगाइए, आपको फायदा होगा। पेट साफ रखें, जल्दी से जल्द आप ठीक होंगी। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो आप हमसे मिल सकती हैं, बात कर सकती हैं। सर एक मेल आया हमारे पास, ये है करण अर्जुन, रेवाड़ी से हैं ये, और इन्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो प्लीज जरा बताइए। देखिए मैं करण अर्जुन जी को ये बताना चाहता हूँ, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, पहली बात तो आप गुस्सा थूक दें, क्योंकि आपके ब्लड प्रेशर के लिए जितना आप गुस्से रहेंगे, नाराज रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, उतना ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और मेरे कहने से आप 1 महीने के लिए आप जो है 2 हरी इलायची सुबह खाइए, 2 रात को खाइए, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर उसके बावजूद भी रहता है तो आप ECG वगैरह करा लीजिए अपनी, जिससे कि आपको मालूम चल जाए क्या स्थिति है क्या नहीं है। वरना हमारा एक प्रोडक्ट बाजार में आता है जिसको एच गार्ड कहते हैं, एच गार्ड पाउडर 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध से खाइए, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, हार्ट ब्लड प्रेशर है प्रॉब्लम है, या हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, जो भी दिक्कत है, या दिल घबराता है, या आपको दिल की कमजोरी लगती है, उस चीज़ के लिए बेहद रामावार दवा है, इसका इस्तेमाल कीजिए, इनको फायदा होगा पूरी तरीके से। ओके, तो देखिए कितना छोटा सा इजी सा उपाय है, अगर नॉर्मली आपको प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर की, तो आप हरी इलायची या बड़ी इलायची यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप उन्होंने जो बताए जो उन्होंने दवा, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वेल, चलिए हमारे जो नेक्स्ट मेल हैं वो हैं मुजाहिद, अकबरपुर से हैं सर, और ये हाथ पैरों में सूजन से परेशान है, तो इनके लिए उपाय बताइए। देखिए जो मुजाहिद जी हैं और इन्होंने कहा है कि मुझे हाथ पैरों में सूजन है, तो इन्होंने ये नहीं बताया कि किस वजह से सूजन है या और कोई प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं मानना चाहूंगा कि हाथ पैरों पर जो सूजन आती है वो किडनी फेलियर या किडनी में कोई इन्फेक्शन हो तब आती है, या खून कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तब आती है। तो मैं इनको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मुजाहिद साहब से ये कहना चाहूंगा, या तो किसी डॉक्टर अपने यहाँ डॉक्टर से जांच कराइए, या आप हमारे सेंटर पर, कि उन्होंने कहा है मैं अकबरपुर से हूँ तो आगरा हमारा सेंटर है, आगरा आकर ये दिखा सकते हैं, जिससे कि पूरी तरीके से सही जाँच होने के बाद में ये पता किया जा सके और पता चल सके भाई इनको क्या परेशानी है, किस वजह से इनको हाथ पैरों पर सूजन है। ओके, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप उनके क्लिनिक आ सकते हैं आपके नज़दीकी शहर आगरा में, और अपना चेकअप करा के और उनसे सही इलाज करवा सकते हैं, और ये जो हाथ पैरों में सूजन की समस्या है आप इससे निजात भी पा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो नेक्स्ट मेल हैं वो हैं प्रवीण, राजस्थान से हैं सर ये, और बच्चे न होने की समस्या ये आपसे बता रहे हैं, आपसे जानना चाहते हैं इसकी जो सॉल्यूशन हो इसका। देखिए पहली बात तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ और आपके जरिए से इनसे कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो मेल किया है आपके पास में वो क्लियर नहीं किया है कि भाई बच्चे क्यों नहीं हो रहे, ये पता होना चाहिए भाई आपके अंदर कमी है या आपकी वाइफ के अंदर कमी है। आप अपनी बात करें तो आपके स्पर्म्स कितने हैं रिपोर्ट या सीमन एनालिसिस रिपोर्ट आप हमारे यहाँ भेज दीजिए, और सीमन के अंदर आपके स्पर्म्स कितने हैं, मेरा मानना है 60% होना बहुत जरूरी है। जब तक 60% स्पर्म्स काउंट नहीं होगी और 60% स्पर्म मोर्टिलिटी नहीं हो तब तक आप पिता नहीं बन सकते। अगर आपके अंदर स्पर्म्स की कमी है तो आप हमारे क्लिनिक से दवा मंगा सकते हैं, या आप हमारे राजस्थान में जयपुर वगैरह में हमारे सेंटर्स वगैरह हैं वहां से आप SS किट लीजिए, SS पाउडर खाइए, आपको फायदा होगा शुक्राणुओं की अगर कमी है। बाकी आप अपनी पूरी रिपोर्ट हमारे पास भेजिए, जिससे कि कन्फर्म हो सके कि आपको की कमी की वजह से, आपकी वाइफ की वजह से बच्चा क्यों नहीं हो।